सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं हर्षित उप्रेती आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज में। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार सोई हुई है। राहुल ने कहा, चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला और अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई कर रहा है। पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राहुल के नाना जी सो रहे थे और उन्होंने सोते सोते भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र गवा दिया। राठौर ने कहा, उसके बाद राहुल को लगा कि चीन से मित्रता करनी चाहिए और अब मित्रता इतनी गहरी हो गई है कि चीन क्या करने वाला है उन्हें पहले से ही पता है, लेकिन अब ये नेहरू का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का भारत है, हमारी सेना घुसकर मारती है। अभी की रिपोर्ट के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सर्च इंडिया न्यूज। मैं तो आपके बीच हर्षित उप्रेती, बहुत जल्द हम मिलेंगे नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।